तो कहानी शुरू होती है भानगढ़ अफगानिस्तान से, जहां लड़कियों को स्कूल में पढ़ने नहीं दे रहे और यहां का बाबा सैफ अली खान को बॉयकॉट करके रखा है क्योंकि ये एक रॉ एजेंट है। और ये अकेला नहीं है, इसके साथ है एजेंट बबुआ। एजेंट बबुआ खाना खा के डकार नहीं मारता, वो कहता है जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, वेरी गुड। और ये दोनों रॉ एजेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उसके लिए ये 15 मिनट का फुटेज खा गए। काफी लंबा एस्टेब्लिशमेंट शॉट। और इस लड़की को बांध के क्यों रखा है, ऐसी लड़कियों से तो शादी करते हैं। ब्याह हो गया है तो कोल्ड वॉर के टाइम जब रशिया और यूएसए के बीच डिक मेजरिंग कॉम्पिटिशन चल रहा था तो जापान ने बनाई सेक्स डॉल्स। कितने का दिया? और बाकी कंट्रीज ने बनाई सूटकेस बॉम्ब। ये क्या है? सूटकेस बॉम्ब जिसे घर पे रख सकते हैं। ये अपने एवरेज सूटकेस जैसा दिखता है पर इसमें नौरा फटेगी है, बॉम्ब है जो एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी तबाही कर सकता है। और अगर किसी के हाथ में ये आ गया तो बहुत अच्छी मूवी बन सकती है जिसका सीक्वल हमें चाहिए। तो वहाँ 6,000 रशिया में है बड़े अच्छे लगते हैं कपूर अब्बू नाजिर, जो ड्रग्स प्रोस्टिट्यूशन एंड चैनल्स को स्ट्राइक देने का काम करता है। बड़े हरामी हो बेटा। ये हवाले का भी काम करता है जहाँ ये मिलता है कर्नल से, जो इसे कहता है मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं, 50 मिलियन चाहिए मुझे, उस पैसों से हम खरीदेंगे 242 और करेंगे बूम। पर इसे पता चला कि ओयो में कैमरा लगे हैं और कैमरा लगाया है बबुआ ने, तो भागो। तो ये वही करता है जब आदमी बिना टिकट के पकड़ा जाता है। अरे ये नहीं, वहां एजेंट विनोद को उसका बॉस बताता है कि बबुआ पकड़ा गया और मरने से पहले उसने लिट्टी चोखा खाया। उसने बताया कि अब्बू नाजिर 242 बार बार बोल रहा था और इंडिया में बहुत बड़ा कांड होने वाला है, पता करो ये 242 कौन सी पोजीशन है, साथ में करते हैं। मेरे कमरे में या तेरे कमरे में? तो पेशेंट विनोद जाता है सेंट पीटर्सबर्ग, जहां वो अब्बू नाजिर को कोपचे मिले जाके जाने देना सुनाता है, कर्नल ने 50 मिलियन खजान को देने बोला था मोरक्को में, फ्रेडी मर्करी खंबाता के हाथों वो पैसे जा रहे हैं प्लेन में, मेरी जान बख्शो प्लीज, एनी के गाने बजा दो, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। वाव यार, मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े लगते हैं। तो ये मोरक्को के लिए निकलता है जहाँ फ्रेडी भी है और इसे लड़के अच्छे लगते हैं, तो ये इसे डांडिया खेलने बुलाता है, बैंगन से बैंगन बजाने के लिए बुलाता है, पर बैंगन बजाने की जगह इसके सर पे बेलन बजा के ये खुद फ्रेडी खंबाता बन के पहुँच जाता है प्रेम खजान के पास। प्रेम नाम है मेरा, तो क्या नाचो मैं? जो तिल का बहुत अच्छा आदमी है, अगर उसका फेवरेट ऊंट जिल्ले बीमार पड़ जाए तो उसे गोली देता है। अबे ये वाली नहीं, डोलो 69 देनी थी। अब आया ना ऊंट गोली के नीचे। What? पर प्रेम खजान को भरोसा नहीं फ्रेडी पे, क्योंकि उसे पता है कि अब्बू नाजिर मर चुका है, तो ये इसका नार्को टेस्ट लेता है और डोज देने आती है। वाओ बेगम, तुम तैमूर को खाना दे दिया? कौन मैं तो रूबी हूँ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, बॉयकॉट हुए कि नहीं? वाओ मैं हूँ विनोद, खन्ना, अली खान, ओमकार। शादी करूंगी अगर सच बताओगे। वाओ मैंने ही मारा अब्बू को। तो इसने कन्फेस कर दिया, पर ये इतना मैनिपुलेटिव है कि जी सिनेमाज वालों से सूर्यवंशम चलवा दे। वाओ हाँ, मैंने ही मारा अब्बू को, उसे ज्यादा बड़े अच्छे लगने लगे थे, उसके घर में एक रॉ एजेंट था जो बोलता रहता था जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, इसलिए मार दिया उसे और फिर भी काम करने आ गया, पर तुम लोगों ने मुझे डोज दे दिया। वाओ वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। पर इसने इनका चूतिया काट तो दिया, पर काम तो करना है, तो स्टेप 1 खजान के कान भर के उसका फोन क्लोन कर दो, स्टेप 2 रूबी की आइडेंटिटी पता लगाओ, ये तो बॉम्ब है, बॉम्बर है, स्टेप 3 कमरे में लगा हुआ है कैमरा तो उसके सामने नंगा नाच करो, कैमरा के बारे में जानता है। स्टेप 4 खजान की बातें सुनो कि एक MI Note 6 एजेंट आया हुआ है। स्टेप 5 तो अगले दिन ये वॉक पे निकलता है
और इसे अकेले नहीं घूमना तो अपनी बेगम आई मीन रूबी को उठा ले जाता है जिसका असली नाम है इरम। क्या मारता है सच्ची में? स्टेप सिक्स, अपने हैंडलर से जोर जोर से बात करके उस MI नोट 6 एजेंट के बारे में पता लगा लो और उसे होटल में मिलने जाओ। एनिमी स्पॉटेड। स्टेप 7, इतनी मेहनत करने के बाद पता करो कि वो मर चुका है और उसे इरम ने मारा है। सारे स्टेप्स बर्बाद। पर एक चीज पता चल गई, 242 एक रुबायत की किताब है जिसकी नीलामी होनी है, मगर क्यों? अभी बता दे भाई। तो रुबायत को खजान खरीद रहा है और ये जुड़ा हुआ है किसी न्यूक्लियर डिवाइस से। तो रुबायत को एक डेटोनेटर बना दिया गया है जिसमें चोरी का पासवर्ड लगाओ तो ब्लास्ट होता है, बूम। और डिटर्जेंट विनोद ये पता लगाए कि लफड़ा क्या है उससे पहले कर्नल ने इसे पकड़ लिया। हे राम, क्या एजेंट बनेगा रे तू? वहाँ सैम के पापा जो पाकिस्तान में ISI चीफ है उसे रॉ के हेड कॉल करके बोलते हैं। और भाई क्या हाल है भाई, तेरे इधर बहुत लफड़ा हो रहा है, तेरे लोग जुड़े हुए हैं, मामला ठंडा कर वरना IPL खेलने नहीं दूंगा। तो ये बेचारा उससे पहले सारा लफड़ा रोके इसे इस बिल्ली आंख वाली ने मार दिया और उस दिन के बाद से पाकिस्तान IPL खेल नहीं पाया और उन्हें PCL बनानी पड़ी। वहाँ इम्पेशेंट विनोद को मारा नहीं लोगों ने, उल्टा सी वेकेशन पे भेज दिया। मुझे भी कोई किडनैप कर लो। पर वेल, पोस्टर में इसकी शक्ल है तो ये बच के अपने हैंडलर के पास पहुँच जाता है, पर इन्हें ट्रैक कर लिया इरम ने जो इनके घर जाती है और देखती है कि असली फ्रेडी के साथ ये BDSM कर रहे हैं। चोक में डाड़ी। पर ये भी पकड़ी गई और ये एजेंट सेक्सिस्ट नहीं है, लड़का हो या लड़की सबको बराबर मारते हैं। कौन है तू? है तू किधर की? वाव, बम किधर है? मैं हूँ ना बम। वाव, मजाक बहुत हुआ। मैंने कोई ब्लास्ट नहीं किया था, मुझे फसाया गया था। मेरे अपने ही दोस्त DJ स्नेक निकले तो ISI चीफ सैम के पापा ने मेरी हेल्प की और खजान के पास डबल एजेंट बना के भेजा। उसे प्लीज कॉल करो, वो बताएगा कि विजय सलगांवकर इनोसेंट है। वाव, वो तो सैम के पास पहुंच गए। पर तू सुंदर है, मूवी में आगे ग्लैमर लाएगी, माफ किया। वाव, पर ये साली ट्रिपल एजेंट है, हर कोर्ट में बॉल खेलती है। तो ये पेमेंट विनोद को स्निच कर देती है क्योंकि ये कर्नल की औरत है और एक सस्ते घटिया स्नाइपर से विनोद को मरवा देते हैं ये। वहां यूरोप में सलीम शेडी एक बड़े ऑफिसर को मार देता है, मगर क्यों? मीनवाइल पेशेंट विनोद बिना हॉस्पिटल का बिल भरे भाग जाता है क्योंकि उसे भी पता है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम फक्ड अप है। $10,000 for a baby. If you're poor, you're dead. मीनवाइल कर्नल एक लौंडियाबाज एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले को 34B बूबी ट्रैप करता है ताकि सलीम शेडी और ये न्यूक्लियर बॉम्ब कुरियर कर सके और इनके पास प्राइम है तो एक दिन में डिलीवरी हो जाएगी। और काम होते ही कर्नल कमरे में बॉम्ब फोड़ देता है, पर इरम को एंशिएंट विनोद ने बचा लिया और ये कर्नल को गुड़गांव के बावों की तरह गाड़ी से ठोक के उसकी थुतनी पे बंदूक का हैंडल मार के उससे रुबायत और बॉम्ब का ट्रैकर प्यार से छीन के भाग जाता है। पर इसके साथ है एक स्निच। मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया क्योंकि असली फ्रेडी जिसको तुम चूतियों ने ढीला बांधा था वहाँ आ गया था और उसे मरवाने के लिए मैंने उसे स्निच किया जिसने तुम पे स्निच करने को बोला जिसे लगा कि मैंने तुम पे स्निच करा। वाव, इतना कंफ्यूज कर दिया, कुछ समझ नहीं आया, इसलिए माफ किया। वाव, पर ये दोनों पुलिस की तरह आने में लेट हो गए और सलीम शेटी बॉम्ब लेके निकल गया। तो अब वहाँ के ब्रांच का रॉ एजेंट इसकी मदद करता है, मगर उस रॉ एजेंट की मदद कौन करेगा? Help me! ये तो वही हो गया, मैं सबके लिए पर मेरे लिए कोई नहीं। तो हराम खोर इसे स्निच करता है और रुबायत इससे छिनवा लेता है। हराम खोर, तुझे तो गोलियां पड़नी चाहिए। थैंक यू डायरेक्टर। You're welcome. पर वेकेंट विनोद के पीछे उस एरिया के बावे पड़े हुए हैं, मगर इसके पास वो है जो बाकी किसी के पास नहीं, ज्यादा फीस। तो ये बच के निकल जाता है पाकिस्तान, मगर क्यों? सर, यहाँ आने की वजह? वाव, ताला हंजुम के साथ कोलैब करने, आज फिर तू आई नहीं, याद तेरी आई थी। तो ये जाता है नए ISI चीफ पे जासूसी करने क्योंकि सैम के पापा तो मर गए तो अंदर कैसे जाएं?
तो इसे मिली इसकी पुरानी रीलर दोस्त। वाओ, हमें अंदर छुप के जाना है और छुप के रहना है। ठीक है, आप छुप जाइए। और ये दिल मेरा, मुफ्त का। अबे ऐसे बनोगे क्या सीक्रेट एजेंट्स? नूब। तो ये बैडमैन और आईएसआई चीफ की कॉन्वर्सेशन सुनने के लिए उसके गजरे में ट्रांसमीटर डाल देती है, पर इनको ट्रांसमीटर छुपाना नहीं आता। तो वेल तो ये दोनों पकड़े गए। वाओ, अभी तुम दोनों ब्लू बर्ड बोल रहे थे, वो क्या है? अबे स्पाई एक्स फैमिली, नहीं बताऊंगा। एनीवे, ध्यान से सुन, कल दिल्ली में सीपी में ब्लास्ट होने वाला है। कोई भी 300 की पैंट पालिका से नहीं खरीद पाएगा। पिंड बलूची भी खत्म। वाओ, थैंक यू मेरे डिस्पोजेबल एनपीसी, मैं चला क्योंकि मेरे पास ज्यादा फीस है। वाओ, तो ये फिर से भाग गया ऐसे ही बिना एफर्ट्स डाले, जैसे वो तुम्हारी जिंदगी से भाग गई थी। आज फिर तू एक गुमान। वहाँ सलीम शेडी पैदल चलते चलते इंडिया आ गया बॉम्ब लेके, और किसी को पता भी नहीं चला क्योंकि बाकी सब किसी बिकनी सीन को बॉयकॉट कर रहे हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड विनोद तत्काल की टिकट करवा के वापस इंडिया आ गया, जहाँ पाकिस्तान से भी एजेंट आए हैं। साले ब्लू बर्ड के बारे में पता लगा तो हम सोचेंगे आईपीएल के बारे में फिर से। जनाब, गिव मी 2-3 मोहलत मिनट्स। 1 मोहलत लेटर। ब्लू बर्ड एक सेफ हाउस है जहाँ प्रोफेसर है, मनी हाइस्ट वाला नहीं, जनपद का कोई प्रोफेसर है। तो ये लोग फिर से इरम को बकरी बना के भेज देते हैं। मुझे अंदर आने दो। नहीं। हेल हाइड्रा। हेल हाइड्रा। तो ये इसे कर्नल की बेस्टी समझ के अंदर आने देता है, और इसका घर चीख चीख के बोल रहा है, टेररिस्ट, टेररिस्ट। तो ये व्हाट्सएप के वीडियो कॉल पे वहाँ के सारे क्लूज दिखा देती है, जिससे पता चलता है बॉम्ब का एग्जैक्ट लोकेशन। और सलीम शेडी ऑटो ढाप के भागने की कोशिश करता है, पर इसके गले दिल्ली की औरतें पड़ गई और इनसे कोई नहीं जीत सकता, तो ये बेचारा फंस गया। और इम्प्रूवमेंट विनोद इसे धूम मचाले करते हुए ट्रैक कर रहा है। वहाँ इरम वापस किसी होटल में पहुँचती है, तो उसे समझ में आया वो अमीर बुड्ढे का पायलट देखा हुआ लग रहा है। अरे ये तो कर्नल है बहनचोद। तो ये अकेले उसे कन्फ्रंट करने जाती है। बैंग। और जा अकेले, जा। I immediately regret my decision. पर ये इस होटल की सस्ती खिड़की एक सिगरेट के डब्बे से तोड़ के बोलती है, वो बहन का लोड़ा कर्नल है, मारो साले को। तो कर्नल उस अमीर बुड्ढे को हॉस्टेज बनाने की कोशिश करता है, पर कूटा जाता है और इसका फैन इसे गले लगा लेता है। जान छूटी। वहाँ एम्बेरसमेंट विनोद सीपी में ढूंढ रहा है सलीम शेडी को, और सलीम शेडी है एक आइसक्रीम शॉप में क्योंकि दिल्ली की गर्मी बहुत तेज होती है। तो उससे पहले ये बेचारा इस बेचारी लड़की की बर्थडे पार्टी खराब करे, स्टेशन विनोद सलीम शेडी का केक काट देता है। और इसके पास है बस 6 मिनट बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए, तो 3 सेकंड में वहाँ हेलीकॉप्टर से बॉम्ब डिफ्यूज करने वाले बावे आ गए। अब ये कर देंगे बॉम्ब डिफ्यूज। अभी यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखता हूँ। अरे बहनचोद, आधे घंटे का हेड। तो अब क्या करें, ऐसे टाइम पे प्रीमियम खरीद लेना चाहिए यार। तो लोकेशन विनोद बॉम्ब को गोद में लेके वहाँ किसी हेलीकॉप्टर में बैठ के शहर से निकल रहा होता है कि इसे आया फोन। सुन बे छोरे, उस बॉम्ब का पासवर्ड या तो आई लव 69 होगा या फिर खजान के ऊंट का नाम जिल्ले। वाओ, आवाज नहीं आ रही। वाओ, हेलो, वाओ करीन, हेलो, वाओ। अच्छा जिल्ले, डाल दिया। ओटीपी क्या है? ओटीपी नहीं चाहिए, बच गए। वाओ, मैं ओयो बुक कर रहा हूँ इरम। हेलो, वाओ, वाओ इरम, द पर्सन यू आर ट्राइंग टू रीच इज डेड एट द मोमेंट। तो विनोद के बॉस को कर्नल का पेनड्राइव मिला, जिसमें 50 टेराबाइट का स्टडी मटेरियल और एक वीडियो था, जिसमें है वो अमीर बुड्ढा जिसने ये सारा ब्लास्ट प्लान किया था। मगर क्यों? तो नेशन विनोद जाता है लंदन, जहां वो बुड्ढे के पास जाने से पहले कॉल लगाता है लश्कर को। तुम लोगों का नाम यूज करके जो बॉम्ब फोड़ने जा रहे थे, मेरे को मालूम है वो कौन है, कॉल कट मत करना। वाओ, हेलो बुड्ढे, मेरे को मालूम है तू ये सब क्यों करता है। तो मैं ही सब बताता हूँ ना, ब्लास्ट होने से जाती है जान, जान जाने से गिरते हैं स्टॉक्स, स्टॉक्स गिरने से मिलते हैं पैसे, पैसे से मिलती है रशियंस। वाओ, इतनी मेहनत फॉर अ पुसी, तू खतरनाक है, तुझे मरना होगा,
और आज ही। वाव, कौन मारेगा मुझे? रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की। तो ये बुड्ढा इवेंट पे चला गया जहाँ हॉन्टेड वाला प्रोफेसर अय्यर आता है इसके पास और गाता है ऑरवेल, इसका माइंड ब्लो हो गया। और सिंस प्लेबॉय विनोद की इरम तो गई, तो अब ये रशियन पटा लेता है और कहानी खत्म। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? चोक में डाड़ियां कि कभी भी पासवर्ड अपने ऊंट, गर्लफ्रेंड, फेवरेट पोजीशन मत रखो, वरना कोई तुम्हारा अपना ही चुरा लेगा। और हाँ, हमें अब चाहिए यार एजेंट विनोद का पार्ट 2। हैशटैग चलाओ ट्विटर पे, हम रीट्वीट करेंगे उसे। कैंपेन चलाओ हैशटैग रिलीज एजेंट विनोद पार्ट 2। एनी पुंगी बजा दे। साला फिर भी फ्लॉप कर डाला, ऑडियंस को शिद्दत पसंद है, अकल पे लगा है ताला, क्रिंज दिमाग में भरा है, बुलबुलैया 2 में बड़ा है, फिर भी यहाँ जाती है ऑडियंस देखने जक मार के। We did it! ओ सैफली खा, इतनी बढ़िया मूवी बना के, कहाँ चल दिए बस एक पार्ट दिखा के, ओ करीना ओ करीना दिल्ली पूरी बचा के, कहाँ चल दी बॉम्ब का पासवर्ड बता के। सैफली खा इतनी बढ़िया मूवी बना के, कहाँ चल दिए बस एक पार्ट दिखा के, ओ करीना दिल्ली पूरी बचा के, कहाँ चल दी बॉम्ब का पासवर्ड बता के।